गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आपके पास पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट का कौन से वाला एटीएम कार्ड है, तो आप में से 95% लोग बोलेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला एटीएम कार्ड है। अब ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला एटीएम कार्ड होता है, ये हमको पोस्ट की मदद से रिसीव तो हो जाता है, लेकिन इसका एटीएम पिन जनरेट होता नहीं है। मैंने भी कई सारे वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है कि भैया इस एटीएम कार्ड का एटीएम पिन जनरेट करने के लिए आपको आपकी ब्रांच में जाना होता है, वहाँ पर आपको इसका पेपर पिन मिलता है जिसकी मदद से आप इसका एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं। आप लोगों के इतने सारे कमेंट आते हैं कि भैया इसका एटीएम पिन जनरेट नहीं हो रहा, हम ब्रांच में भी गए लेकिन ब्रांच वालों ने बोला, ये मैनेजर ने बोला कि भैया इसका जो पेपर पिन है होता है वो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, ना ही बैंक में आया है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट का प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला एटीएम कार्ड है और इस एटीएम कार्ड का एटीएम पिन जनरेट नहीं हो रहा, आपने काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर ली, आप ब्रांच में भी इसको लेकर गए हो पेपर पिन लेने के लिए लेकिन नहीं मिला, जिसकी वजह से आपका एटीएम पिन जनरेट नहीं हो पाया, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद ही मैंने आपको किसी और वीडियो में बताया होगा या किसी और ने आप लोगों को बताया होगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले एटीएम कार्ड का पेपर पिन ना भी मिले तब भी आप इसका एटीएम पिन जनरेट कर सकते हो, किस तरीके से करना है और क्या कुछ करना है चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज उमर, वेलकम टू सम मोबाइल टिप्स। इस वीडियो को आप अंत तक देखना, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगेगी तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो चीज़ और जो टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा उसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो देखो गाइस, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट का ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला एटीएम कार्ड होता है, यह आपका आपके जीरो बैलेंस अकाउंट का एटीएम कार्ड होता है और ये एटीएम कार्ड आपको पोस्ट की मदद से आपके एड्रेस पर रिसीव होता है। अब आप जब इसको रिसीव कर लेते हो तो आप जाते हो उस बंदे के पास जहां पर आपने आपका अकाउंट ओपन कराया होगा और वहां पर बोलते हो कि भैया हमारा ये एटीएम कार्ड आया है पोस्ट की मदद से और इसका एटीएम पिन बनाना है, और वो आपको बोलते हैं कि भैया इसका एटीएम पिन तो आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा, यानी आपका जो सब ब्रांच है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे इसका पेपर पिन दे दो। अब ये जो पेपर पिन होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आपका ये जो एटीएम कार्ड होता है जनधन योजना वाला, ये जिस समय आपके एड्रेस पर डिलीवर किया होता है उसी समय बैंक जो आपका सब ब्रांच होता है वहाँ पर आप एक पेपर पिन आता है, किसी पेपर पर छपकर पिन आते हैं, वो आपको मैच करने होते हैं, आपको नहीं बल्कि बैंक को मैच करके आपको देना होता है। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब माने कि आप अपनी ब्रांच में जाते हो और वहाँ पर बोलते हो कि मुझे इसका पेपर पिन चाहिए, अगर उनके पास अवेलेबल होता है और उस डेट का होता है, यानी वहाँ पर क्या होता है ना, वो उसका कुछ डेट फिक्स होता है, मुझे कंफर्म नहीं, उस डेट के अंदर अगर आपका एटीएम कार्ड आपके घर पर आ जाता है और उस एटीएम कार्ड को आप अपनी ब्रांच में लेके चले जाते हो तो आपको पेपर पिन मिल जाता है जिसकी मदद से आपका एटीएम पिन जनरेट हो जाता है। कुछ परसेंट लोगों का ही ऐसा होता है, बाकी के लोगों का क्या होता है, उनका एटीएम पिन जनरेट नहीं होता इसलिए कि उनको पेपर पिन नहीं मिलता, वो ब्रांच में भी जाते हैं बोलते हैं कि मुझे पेपर पिन चाहिए लेकिन उनको नहीं दिया जाता, उनको बोल दिया जाता है कि इसका पेपर पिन अभी तक नहीं आया, थोड़ा वेट करो ये आ जाएगा, तो ऐसा उनको बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर घुमा फिरा के बोले, आपका जो प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला एटीएम कार्ड होता है इसका एटीएम पिन जनरेट नहीं होता, या तो पेपर पिन ना मिलने की वजह से, या फिर आपके पास आपका एटीएम कार्ड काफ़ी दिनों बाद आपको रिसीव होने की वजह से, कुछ ना कुछ ऐसा मैटर होता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था, कुछ ऐसी टिप्स और कुछ ऐसी गाइड भी शेयर करूँगा जिनकी वजह से आप इस एटीएम कार्ड का एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं। अब वो टिप्स क्या हैं चलो बताता हूँ। देखो, अगर आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला एटीएम कार्ड है उसका एटीएम पिन जनरेट नहीं हुआ, आपने ब्रांच में भी जाके देख लिया, सारा करके देख लिया लेकिन आपका एटीएम कार्ड का एटीएम पिन जनरेट नहीं हो पाया, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट का ऑफिशियल ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा PNB One करके आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। PNB One ऐप के अंदर आपको रजिस्टर्ड करना है अपने आधार कार्ड से,
बशर्त यह है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आधार कार्ड की मदद से आपको पीएनबी वन ऐप के अंदर रजिस्टर्ड कर लेना। आपका इंटरनेट बैंकिंग चालू हो गया। अब आपको पीएनबी वन ऐप की मदद से एटीएम कार्ड को अप्लाई करना है, नया एटीएम कार्ड अप्लाई करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला जो एटीएम कार्ड था वो तो आपका खराब हो गया, उसका एटीएम पिन जनरेट नहीं हो पाया किसी भी कारण से, लेकिन अब आपको यहाँ पर पीएनबी वन ऐप की मदद से नया एटीएम कार्ड अप्लाई करना है। नया एटीएम कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है पीएनबी वन ऐप की मदद से, मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख लेना। तो वहाँ पर आपको एटीएम कार्ड अप्लाई कर देना। एटीएम कार्ड अप्लाई करने के 10 दिन बाद आपके पोस्ट की मदद से आपके एड्रेस पर आपको वो एटीएम कार्ड आ जाएगा, और ये जो आपका एटीएम कार्ड होगा ये प्लैटिनम एटीएम कार्ड होगा। इसमें आपका मोबाइल नंबर भी लिंक रहेगा, इसमें आपका अकाउंट नंबर भी लिंक रहेगा, तो सारा कुछ लिंक रहेगा। और अच्छी बात ये है कि इस एटीएम कार्ड का एटीएम पिन आप पीएनबी वन ऐप की मदद से ही जनरेट कर पाएंगे। इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है कैसे आप पीएनबी वन ऐप की मदद से प्लैटिनम एटीएम कार्ड का एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं। इस एटीएम कार्ड की एक और खास बात है, खास बात यह है कि इस एटीएम कार्ड से आप काफ़ी ज़्यादा लिमिट बढ़ा सकते हैं और काफ़ी सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और ये प्लैटिनम एटीएम कार्ड होता है, आपका नाम भी प्रिंट होकर आता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोग हमें कमेंट करोगे कि भैया पीएनबी वन ऐप के अंदर प्रॉपर वीडियो बनाइए, किस इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है, कैसे एटीएम अप्लाई करना होता है, कैसे पिन जनरेट करना होता है, तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, बस आप लोगों को कमेंट करना है। और एंड में मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास कोई सा भी एटीएम कार्ड नहीं है और आप चाहते हो यूपीआई चलाना, यानी गूगल पे, फोन पे या कोई भी थर्ड पार्टी ऐप चलाना चाहते हैं, तो आपको ये काम करना है कि आपको अपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक करवा लेना किसी भी आधार सेंटर पे जाके। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है तब आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी यूपीआई का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे इसका फ़ायदा उठाना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलो, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।